Hello friends, welcome back to my YouTube channel Topper's Word, and today I'm sharing with you a few vocabulary words related to uh, describing the human beings, personalities, individuals. So, first word is adjustable. One who can make easy adjustments all the time that is called adjustable, or even we call that person adaptable because this is a person who like to change change himself according to the situations. that is called adjustable or adaptable. so uh, the people who are very adaptable, uh, they easily get promoted or adaptable people are liked by the companies. cooperative means who is very helpful. so we should be cooperative towards our team members. spendthrift, इज़ अ पर्सन हु लाइक टू स्पेंड लॉर्ड ऑफ मनी सो वी कॉल दिस पर्सन एक्स्ट्रा वेगेंट स्पेंड थ्रिफ्ट को हम एक्स्ट्रा वेगेंट भी कहते हैं और ये बहुत पैसे खर्च करने वाला होता है सो आई डोंट लाइक रवीश ही इज़ रियली वेरी स्पेंड थ्रिफ्ट माइज़र जो होता है जो पैसे नहीं खर्चता वन हु डज नॉट लाइक टू स्पेंड मनी दैट इज कॉल्ड माइजर माई अंकल इज माइजर ऑल दो ही हैज़ लॉर्ड ऑफ मनी बट ही डज़ नाट स्पेंड he lives in a very simple house and does not eat healthy food fanatic fanatic means uh, mad or he is a believer of strong believer of something so he he does not like to listen others and uh, nobody like him because because of his fanatic behavior orthodox orthodox means again having strong belief system जो कट्टर लोग होते हैं इनका एक ही चीज़ में बहुत ही भरोसा होता है और दे डोंट लाइक टू लिसन अदर्स और दे आर नॉट ईजिली चेंजेबल सो नो बॉडी लाइक रमेश बिकॉज ऑफ इट हिज ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर फिलेंथ्रॉपिस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट पीपल आर दोज वो आर वेरी काइंड हार्टेड एंड नाइस ह्यूमन हु थिंक दैट द होल वर्ल्ड इज देअर हाउस महात्मा गांधी वॉज ए ट्रू फिलेंथरोपिस्ट

इन्ोवेटिव और क्रिएटिव बहुत आर ऑलमोस्ट सेम ये देर दे आर दो पीपल हु ब्रिंग न्यू आइडियाज़ जो नए आइडियाज लाते हैं और कुछ क्रिएट करते हैं सो एंटरप्रन्य इन्ोवेटिव क्रिएटिव लिए लगभग एक ही कैटेगरी के बंदे होते हैं देन द नेक्स्ट इज सिनिक सिनिक वो बंदा होता है हु डज़ नाट ट्रस्ट अदर्स जो हमेशा दूसरों को शक से देखता है माई ग्रैंड फादर इज़ वेरी सिनिक ही डज नॉट ट्रस्ट एनी ऑफ इस सन नटोरियस होता है जो बदनाम हो uh, बदमाश होता है ये गंदा बंदा होता है वी कैन सेट ही डी डज इ लीगल एक्टिविटीज़ एंड वेरी फेमस सो दैट इज़ कॉल्ड नटोरियस फॉर एग्जाम्पल कैन बी लाइक दैट दाऊद इज़ नटोरियस पर्सन एंड इंडियन पुलिस इज सर्चिंग फॉर हिम जनरस काइंड हार्टड ये तो आपको पता ही होगा दयालू

Uh, रोमिंग फ्रीली इन दीज डेज आज कल बहुत सारे अपराधी फ्रीली घूम रहे हैं विक्टिम जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है दैट इज कॉल्ड विक्टिम और इसको हम हिंदी में कहते हैं पीड़ित सो ही इज अ विक्टिम ऑफ क्राइम इन द एक्सीडेंट मैनी विक्टिम्स वर लाइंग ऑन द रोड फ्यूरियस फ्यूरियस मीन्स इन एंगर जो बहुत गुस्से में होता है फ्यूरियस आई डू नॉट लाइक टू टॉक टू माई यंगर सिस्टर बिकॉज शी क्विकली गेट फ्यूरियस वो जल्दी गुस्से में आ जाती है इसलिए मैं उसके साथ बात करना पसंद नहीं करता हूँ एंड द नेक्स्ट इज डिलीजेंट डिलीजेंट मीनस वेरी हार्ड वर्किंग एवरीबडी लाइक डिलीजेंट एम्प्लॉयीज़ हर बंदा डिलीजेंट जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय होता है उसको पसंद करता है आई लाइक माई फ्रेंड रमेश बिकॉज ही इज डिलीजेंट एमिनेंट मीन्स फेमस और वेल नाउन ट्रम्प वॉज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी और वी कैन से ही इज़ लिविंग सो वी कैन से दैट ट्रंप इज डोना डोनाल्ड ट्रंप इज एन एमिनेंट पर्सनैलिटी और फेमस पर्सनैलिटी और वेल नौन और रिनोन्ड रिन डॉन में स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए हैं आर ई के यहाँ पे के भी आना चाहिए था वो मुझसे स्किप हो गया कनिंग मीन्स क्लेवर आई हैव अ कनिंग कैट जीनियस मीन्स इंटेलिजेंट ब्रिलियंट महात्मा गांधी वॉज फेमस फॉर हिज जीनियस स्ट्रेंजर अन नॉन अजनबी ये आई मेट ए स्ट्रेंजर इन माई स्ट्रीट ब्रेव बोल्ड करेजियस गॉड फरिंग जो भगवान से डरने वाला होता है स्ट्रॉगर बिलीवर इन गॉड जो उसको भगवान में बहुत सारी आस्था हो उसको स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन गॉड या इसको हम कह सकते हैं अथीस्ट ए टी एच ई आई एस टी और जो बिलीव नहीं करता उसको कहते हैं थीस्ट टी एच आई ई एस टी एंथ्यूजियास्टिक जोशीला फुल ऑफ एनर्जी ऑल दो माई अंकल रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी 25 years ago, still he is very enthusiastic or still he is very energetic. Timid, shy, coward, hesitant. That is called coward, shy. My younger brother is a, a big coward. When dogs bark outside, he does not like to go out. Efficient, expert, skilled. Everybody admire him for his uh, expertness or skilled attitude or efficiency. Ram is an efficient worker. Handsome, stylish, trendy. These boys' Gorgeous word is used for girls. Gorgeous means very beautiful. Trendy means someone who follow fashion. So Katrina Kaif is a gorgeous actress.